नमस्कार दोस्तों, कहानियों के सफर में मैं अमित एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और इस पड़ाव पर, इस मोड़ पर लेकर के आया हूं एक लघु कथा जिसका शीर्षक है एहसास और इसे लिखा है विनीता मोटलानी जी ने। आइए शुरू करें, लेकिन शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को याद से दबाना है ताकि अपलोड होने वाली ये लघु कथाएं, ये कहानियां सबसे पहले आप सुन सकें, है ना। आइए शुरू करते हैं एहसास। छाबड़ा जी का नया मकान बन रहा है। मकान की चौकीदारी के लिए वो गांव से एक परिवार को ले आए। उस परिवार में पति पत्नी समेत उनके तीन बच्चे थे। उस परिवार ने ईंटों की झोपड़ी बनाकर ऊपर टीन की चद्दर डाल वहीं अपना आशियाना बना दिया। मकान की एक छत डल गई थी, दूसरी छत की तैयारी चल रही थी। चौमासा नजदीक ही था, सो छाबड़ा जी चाहते थे उससे पहले ही छत का काम हो जाए। आज सीमेंट और रेत की बोरियां भी रखवा ली। चौकीदार के बच्चे मकान में गंदगी ना फैलाएं, इसलिए छाबड़ा जी रोज काम खत्म होने के बाद ताला लगा कर जाते थे। रात का समय था। छाबड़ा जी खाना खाकर बिस्तर पर आके लेटे ही थे कि अचानक बादलों के गरजने की आवाज सुनाई दी। वो झटपट उठ बैठे। ओहो, आज ही तो रेत और सीमेंट उतरवाई है, कहीं गीली ना हो जाए। ये सोच वो तेजी से जाने के लिए कार की चाबी लेकर आए। बूंद बूंद टपकने लग गई थी। उन्होंने कार बढ़ाई और फौरन बनते मकान के नजदीक जा पहुंचे। जो ही उतर कर गए तो देखा चौकीदार का परिवार सीमेंट और रेत की बोरियां अंदर सुरक्षित रखकर खुद प्लास्टिक की पन्नियों से सिर ढक कर खड़े थे। उस परिवार की वफादारी देख उन्हें अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ताला खोलकर सभी को अंदर किया। दोस्तों, आप सुन रहे थे विनीता मोटलानी जी की लिखी लघु कथा एहसास। ये एहसास, ये महसूस होना, ये रियलाइजेशन, ये जब तक ना हो तब तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन भी नहीं आ सकता। इसीलिए खुद परमात्मा कहता है कि जब तक स्व परिवर्तन नहीं करोगे तब तक विश्व परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इनसे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी है। उम्मीद है आपको एहसास पसंद आई होगी। अपने कमेंट के द्वारा, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख करके हमारी हौसला अफजाई करें। लाइक बटन दबा करके बताएं हमें कि आपको पसंद आ रही हैं ये कहानियां, ये लघु कथाएं। और हाँ, प्लीज शेयर करें अपने अपनों के साथ ताकि इन एहसासों का प्रवाह, संवेदनाओं का प्रवाह बना रहे। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। इस वादे के साथ मैं अमित आपसे इजाजत लेता हूं। रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत नमस्कार।